हेलो दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है, जो कि 25 दिसंबर 2017 का करंट है। ये यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को डेली कवर करती है तथा बैंकिंग व एसएससी एग्ज़ाम के करंट को भी अपडेट करती है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको पढ़ने का तरीका मैं बता देती हूँ। पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको मैं बता देती हूँ। आपके सामने ये आप देख रहे हैं ऊपर की, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके चार ऑप्शन हैं। उन चार ऑप्शनों में से आपको अपना सही आंसर चॉइस करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको 25 दिसंबर का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैरी मैरी क्रिसमस डे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, मैं रिकैप में ही आपको बता दूंगी कि कौन सी खबर नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स से है और विशेष व्यक्तियों से है। तो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिला की पट्टिकाओं का अनावरण किया है। तो कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोची में या पटना में? तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर डेवलपमेंट योजना की आधारशिलाओं की पट्टिकाओं का आवरण किया है। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस शहर को भारत की पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन मिली है? तो दोस्तों, लखनऊ, मुंबई, कानपुर या जयपुर? तो जिसने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा वो इस आंसर को ईजिली दे सकेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, वहाँ से ही ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। तो आप देखिए आपका आंसर क्या है। 25 दिसंबर 2017 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रेलवे मुंबई यात्रियों के लिए भारत की पहली वातानुकूलित उपनगरीय ट्रेन का अनावरण करेगी। तो आपको आपका आंसर मिल चुका होगा मुंबई। तो इसका आंसर क्या है? मुंबई। और हम ये मैंने कटिंग आपके लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर से ले ली थी, आप देख सकते हैं वो ट्रेन ये है, जो कि एक लोकल ट्रेन है जो कि पूरी वातानुकूलित है। तो आज के न्यूज़पेपर में ही दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किस अभिनेता ने पुणे फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, सैफ अली खान ने या अक्षय कुमार ने? तो बताइए कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है सलमान खान। देखिए, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी, बस आपको पता होना चाहिए, ये भी आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। देखिए, फिल्म जगत से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसमें मतलब कि इंडिया क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी में, तो फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी में सलमान खान ने जो है 100वीं मतलब कि सूची में स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय तूफान टेविन से मरने वालों की संख्या 180 के पार हो गई है? फिलीपींस, अमेरिका, पेरू या घाना? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए क्या आंसर हो सकता है, जो कि ये भी न्यूज़पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, ये करंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा तूफ़ान आया है, कहाँ मतलब कि एक ये भी है ना, उष्णकटिबंधीय तूफ़ान है, तो आपको इसमें भी ध्यान देना होगा। उष्ण और उष्णकटिबंधीय तूफ़ान, दो तरह के ये तूफ़ान होते हैं, तो आपको इन तूफ़ानों पर ध्यान देना है। तो तूफ़ान का नाम है डेविन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर चॉइस कीजिए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान डेविन से मरने वालों की संख्या 180 के पार हो गई है। मिडानो द्वीप में बाढ़ और मिट्टी खसने के कारण अधिकांशों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये फिलीपींस में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिलीपींस आपका एक वर्क है कि आज आप फिलीपींस को खुद ही मैप में देखेंगे कि फिलीपींस कहाँ है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने डॉलर के कर सुधार कानून को मंजूरी दे दी है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेशनल से रिलेटेड है। तो 1.5, 3.5, 5.5 या 7.5 ट्रिलियन? तो अपना आंसर चॉइस कीजिए।
तो देखिए इसमें मतलब कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टैक्स कोड में व्यापक सुधार संबंधी कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून 10.5 खरब डॉलर मतलब कि 1.5 ट्रिलियन के कर सुधार से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.5 ट्रिलियन। तो बढ़ते हैं आगे। IOC ने सोची ओलंपिक में भाग लेने वाले किस देश के 11 अन्य खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया, अमेरिका, चीन, सिंगापुर या रूस? देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोची ओलंपिक में रजत पदक विजेता अल्बर्ट डेमचेको और तात्याना एवानोवा सहित 11 रूसी खिलाड़ियों के डेम्पिंग टेस्ट में नशीली दवा लेने सिद्ध हो जाने के बाद कल उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूस ने ये कार्य किया है। और कितने खिलाड़ी हैं, मतलब कि देश के 11 अन्य खिलाड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने अपने पेशेवर मुक्केबाजी करियर में लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए किस देश ने के अनेस्ट अमूजू को हरा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, टर्की या घाना? तो इसका आंसर है घाना, इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी। सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन का 23 दिसंबर 2017 को किस शहर में समापन हो गया है? तो गुवाहाटी, कोहिमा, अगरतला या कटक? तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन का 23 दिसंबर 2017 को गुवाहाटी, असम में समापन हो गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासकीय सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा असम सरकार के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। इसका आंसर है गुवाहाटी। अगला देखिए, जितने मैंने क्वेश्चन बनाए थे वे सब हो चुके हैं। अब हमारा जो पड़ाव है वो रिकैप की तरफ है, और रिकैप मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं रिकैप आपको किस तरह से कराने वाली हूँ। रिकैप में मैं आपको जो हमने पीछे ये क्वेश्चन पढ़े थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, अब ये वन लाइनर में होंगे, और यही क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन राष्ट्रीय था, कौन सा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय था, कौन सा खेल था, कौन सा सामान्य ज्ञान का था। दोस्तों जो क्वेश्चन छूटे हैं वो वन लाइनर में आपको बता दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रतिकृति पर क्षेत्रीय सम्मेलन का 23 दिसंबर 2017 को किस शहर में समापन हो गया है? तो वो है गुवाहाटी। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रतिकृति पर। अगला है कि किस शहर को भारत की पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन मिली है? तो वो है मुंबई। किस राज्य सिख गुरुओं से जुड़े स्थलों को गुरु सर्किट के रूप में विकसित करेगा? बिहार। यह राज्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कॉफी समारोह के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन करेगा, कर्नाटक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय तूफान डेविन से मरने वालों की संख्या 180 पहुंच गई है? फिलीपींस। देखिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि डेविन तूफान कहां पर आया, फिलीपींस में। इस तरह से भी पूछ लेगा डेविन तूफान किस तरह का तूफान था, तो वो है उष्णकटिबंधीय तूफान। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियंस एयरक्राफ्ट ने किस देश में अपनी पहली उड़ान भरी है? चीन में। ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया था, जो छूट गया था, जो मैंने वन लाइनर में आपको बता दिया है। खेल जगत में पूछते हैं कि किन्होंने WBO एशिया पैसिफिक और ओरिएंटल टाइटल खिताब का बचाव किया है? तो वो है विजेंद्र सिंह। अगला है, किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर को BCCI के महाप्रबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो वे हैं सवा करीम। सामान्य ज्ञान की तरफ पढ़ते हैं। पर्वतीय आर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए थे, आपको पता होना चाहिए कि पर्वतीय आर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लेता है। तो पर्वतीय आर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है PABS, तो गोंडा में है।
जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो भाई देखिए, आपको अगर पर्वत जाना है और पक्षियों के मतलब कि पक्षियों से मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को गो मतलब कि जाना होगा। तो पर्वत पर जाना है आपको तो खुद क्या हो जाइए, गो। गो माने क्या होता है, जाना। तो गो से क्या हो गया, गोंडा। आप उम्मीद करती हूँ नहीं भूलेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय किसान दिवस को किस तारीख में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो ये पीछे भी मैं बता चुकी थी कि किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी जो हैं उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी कार्य किया था, और चौधरी चरण सिंह जी ने ही किसानों के हित में बहुत वर्क किए थे। तो आपको मैं बता चुकी हूँ और ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं राष्ट्रीय। हमने देखा, फिर से हम रिकैप कर देते हैं, हमने देखा राष्ट्रीय जगत में हमने कितने क्वेश्चन किए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखे आज, 2 क्वेश्चन हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखे, उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन खेल जगत से देखे थे और 2 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से देखे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके बाय।